वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 9वीं का क्लास 9th का रीडिंग सी यूनिट नंबर 2nd का रीडिंग सी पढ़ेंगे। अशोक राठौड़ फुटबॉल ऑस्कर, अशोक राठौड़ की फुटबॉल ऑस्कर ग्रुप, इस पार्ट के बारे में हम इस लेशन में पढ़ेंगे। इसके हिंदी अनुवाद को समझाऊंगा, सारांश को। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को और लाइक भी करें। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। अशोक राठौड़ फुटबॉल ऑस्कर, अशोक राठौड़ का फुटबॉल ऑस्कर ग्रुप जिसे उसने बनाया था। फुटबॉल खेल का नाम है, ऑस्कर ग्रुप उसका ग्रुप का नाम है। ये जो फुटबॉल खेल करके उन्होंने जो ऑस्कर ग्रुप बनाया था अशोक राठौड़ ने, तो उसी के बारे में ये कहानी है। चलिए स्टार्ट करता हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड करें मन में और साथ में समझें क्या समझा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। इट्स अर्ली मॉर्निंग ऑन संडे एंड An excited group of boys play football in the back garden, a large ground in Colaba, South Mumbai. तड़कते सुबह की बात है, it's early morning, तड़के सवेरे की बात है, दिन रविवार। रविवार के दिन तड़के सवेरे के समय है एक उत्साहित समूह, excited group एक उत्साहित समूह के जो लड़के हैं वे बड़े खुश होकर के फुटबॉल खेल रहे थे, बड़े जोश के साथ में फुटबॉल खेल रहे थे। दक्षिण मुंबई के कोलाबा नाम का बहुत बड़ा ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है। उसके पीछे में एक छोटा सा गार्डन है, बैक गार्डन पीछे में छोटा सा गार्डन है। उस गार्डन में कुछ लड़के बढ़िया सुंदर तरीके से फुटबॉल खेल रहे थे। रविवार का दिन था, सुबह सुबह वे खेल रहे थे। Both teams are wearing colorful jerseys printed with logos that says Oscar Education with a kick. दोनों टीम के, दोनों पक्ष के खिलाड़ी सभी लोगों ने सुंदर रंगीन कलरफुल जर्सी पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस पहने हुए थे, जिसमें जिस जर्सी में लोगो छपा हुआ था और वो लोगो कुछ कहता था। वो लोगो क्या कह रहा था? एक लोगो होता है जिसमें उनका कंपनी का नाम या फिर उनके टीम का नाम या फिर उसमें कुछ चित्र छपा रहता है जो कुछ कहता है। तो वही क्या कह रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था? ऑस्कर एजुकेशन विथ ए किक, ऑस्कर शिक्षा एक फुटबॉल के किक के साथ में, विथ मतलब के साथ, किक, एक किक के साथ में, फुटबॉल के साथ में। ऑस्कर ग्रुप का शिक्षा, ऑस्कर ग्रुप का एजुकेशन, ऐसा उसके लोगों में छपा हुआ था उस जर्सी में। तो वे लोग बढ़िया मजे से, बढ़िया उत्साह करके खेल रहे थे उस खेल के मैदान पे, वो गार्डन में खेल रहे थे। उससे बड़ा वाला जो कोलाबा का, जो मुंबई में जो कोलाबा नाम का बहुत बड़ा मैदान है, उसके पीछे में छोटा सा गार्डन में खेल रहे थे। ये पहला पैराग्राफ हो गया बच्चों। दूसरा पैराग्राफ में देखते हैं। एट 23 अशोक राठौड़ शॉर्ट एंड कर्ली हेयर्ड इज द ओल्डेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। 23 नंबर की जो जर्सी पहना हुआ था वह अशोक राठौड़ नाम का व्यक्ति था। 23 नंबर का जो जर्सी पहना हुआ था अशोक राठौड़ नाम का वह लड़का था, जिसके छोटे बाल, छोटे छोटे और घुंघराले बाल थे। करली मतलब घुमावदार, घुंघराले, उसके छोटे छोटे और घुंघराले बाल थे। वही अपने सभी खिलाड़ियों में से सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था, ओल्डेस्ट, ज्यादा उम्र का, ज्यादा बड़ा। तो सभी खिलाड़ियों में से सबसे ज्यादा उम्र का वही लड़का दिखाई दे रहा था। अनलाइक द अदर्स, दूसरों से भिन्न, दूसरों से अलग, दूसरे लोग तो खेल खेल रहे थे लेकिन यह अशोक राठौड़ जो है वो क्या कर रहा था? ही इज ऑल्सो यलिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू किक और पास। ये खेलते हुए साथ में वह लोगों को चिल्ला चिल्ला करके, यलिंग मतलब होता है चिल्लाना, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश देना, वह चिल्ला करके लोगों को निर्देश दे रहा था
आदेश दे रहा था, क्या आदेश दे रहा था, क्या निर्देश दे रहा था, हाउ टू किक और पास, कैसे बाल को लात मारना है, कैसे फुटबॉल को अपने पैर में लगाना है, लात मारना है, और कैसे एक दूसरे को पास करना है, यह चिल्ला चिल्ला करके बता रहा था। एंड एगिंग, एगिंग मतलब होता है बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको जोश दिलाना, तो वो उत्साहित कर रहा था, सबको उत्साहित कर रहा था, द अदर्स अन्य लोगों को। ऑन अशोक इजंट जस्ट प्लेइंग फॉर हिज टीम, नॉर इज ही द फास्टेस्ट और द मोस्ट स्किलफुल फुटबॉलर हियर, येट द बॉयज इन बोथ टीम्स फॉलो हिज लीड एंड टेक डायरेक्शंस फ्रॉम हिम। अशोक राठौर अपने टीम के लिए नहीं खेल रहा था, ना ही वह तेज खिलाड़ी था और ना ही वह कुशल फुटबॉलर था, उसमें उसके अंदर में कोई ऐसी गुण नहीं था कि अरे हाँ अच्छा फुटबॉलर है तो उसकी बात मार रहे, अच्छा तेज दौड़ता है, अच्छा तेज खेलता है, इसकी वजह से उसकी बात, ऐसी बात कोई बात नहीं थी उसके अंदर में। लेकिन फिर भी दोनों टीम के लड़के उसकी बातों को सुनते, मानते और उसके द्वारा कहे गए निर्देशों को मान करके वैसे ही काम कर फॉलो, उसका अनुसरण करते, उसी की तरह सोच सुन उसकी बातों को सुन करके वैसा काम करते। ना ही वह अच्छा खिलाड़ी था और ना ही तेज दौड़ने वाला था, फिर भी उसकी बातों को सुनते थे। चलिए उसके बारे में कुछ बातें समझते हैं कि क्यों उसकी बातों को सुन रहे थे सभी टीम के लड़के और क्यों उसकी बातों का फॉलो कर रहे थे। चलिए टुडेज फर्स्ट गोल ऑस्कर, धीरे धीरे आगे मैं पढ़ूंगा तब आपको समझ में आएगा कौन है ये अशोक राठौर। टुडेज फर्स्ट गोल स्कोरर इज अनिल चौहान, आज का पहला गोल मारने वाला व्यक्ति अनिल चौहान था। ये अनिल चौहान कौन है, सॉरी था नहीं यहाँ पे इस है, आज पहला गोल मारने वाला अनिल चौहान है। टाल एंड वेल बिल्ड, लंबा और हिस्ट पुष्ट लड़का है, वेल बिल्ड, अच्छा खासा शरीर है उसका, हिस्ट पुष्ट लड़का है। ही इज फ्रॉम नियर बाई अम्बेडकर नगर, वह यहीं पास का एक अम्बेडकर नगर का एक बस्ती है, उस बस्ती से है। इस प्रेवलिंग स्लम कॉलोनी, कॉलोनी मतलब बस्ती, स्लम मतलब मैली कुचैली, इस प्रेवलिंग मतलब बड़ा। वहीं पास में ही एक अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर नामक एक मैली कुचैली बस्ती है जो कि बहुत बड़ा बस्ती है, जहाँ पे लगभग ऑफ अबाउट 12,000 पीपल, जहाँ पे 12,000 लोग वहाँ पे निवास करते हैं। तो वहीं से अनिल चौहान था जो कि आज पहला गोल मारा है। तो अनिल चौहान, अनिल हैड लाइक मेनी पुअर अर्बन किड्स, वह अन्य जो शहरी गरीब लड़के रहते हैं उन्हीं में से वह खुद भी एक गरीब बच्चा है, एक कमजोर बच्चा है, गरीब लड़का है अनिल चौहान भी। ड्रॉपेड आउट आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग, जो कि कुछ ही साल पहले अपनी प्राथमिक कक्षा को छोड़ चुका था। ड्रॉपेड आउट मतलब होता है छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना बीच में ही, तो वह लड़का कुछ साल पहले ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। वही लड़का अम्बेडकर नगर में रहता था, वही लड़का आज पहला गोल मारा। ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए हाउसकीपर इन ए बैंक, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जब कुछ साल बाद छोड़ दिया स्कूल को, उसके बाद वह एक झाड़ू पोछा करने वाला, एक प्यून की नौकरी करने लगा एक बैंक में, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे अपनी गलती महसूस हुई कि अरे नहीं, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। आगे बताता है, क्या बोलता है वो, आई डोंट नो हाउ टू रीड और राइट एंड कुडंट इवन सी साइन माय नेम, अनिल सेज, अनिल कहता है आज मैं ना तो पढ़ सकता हूं और ना ही लिख सकता हूं, यहां तक कि मैं अपना नाम का हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता, साइन भी नहीं कर सकता मैं, ऐसी स्थिति है। मतलब पढ़ना छोड़ करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, यह उसे आज महसूस हो रहा है। Who enrolled at a night school last year because of अशोक राठौर, अनिल चौहान कौन है, अनिल चौहान वही लड़का है जिसे अशोक राठौर ने रात में लगने वाले स्कूल में भर्ती करवाया था, enrolled, भर्ती करवाया था, वही लड़का आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। He is never who plays, तो अशोक राठौर कैसे जाना, उसका पड़ोसी था, He is never, अनिल चौहान उसका पड़ोसी था, who plays football with him thrice of a week, पिछले 3 सप्ताह से वह अशोक के साथ में डेली फुटबॉल खेलता है,
इसकी वजह से वह अशोक के कांटेक्ट में आया, उसकी स्थिति को सुना समझा और उसे भी रात में लगने वाले स्कूलों में भर्ती किया और उसके साथ में वह खेल खेलने लगा। It doesn't matter then I am only in class 5 and 22 year old, says Anil. Anil कहता है कि यह शर्म की बात नहीं है, यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि मैं 22 साल का हूँ और मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। निश्चित रूप से हैरानी की बात है, लेकिन यह हैरानी की बात नहीं है। आज मैं खुश है, मुझे खुशी है कि मैं रात्र में लगने वाली कक्षाओं में मैं पढ़ता हूँ। मेरी पढ़ने मैं यहाँ तक मैं अपना नाम तक नहीं साइन कर पा रहा था, ना मुझे लिखने आता था ना पढ़ने आता था, ये बात उसको महसूस हुई और वह उस स्कूल में भर्ती हुआ अशोक के कारण। मेनी ऑफ अदर्स प्लेयर्स टू वेंट बैक टू स्कूल बिकॉज ऑफ अशोक हु स्टार्टेड दिस फुटबॉल सीजन 5 years ago। कई और भी खिलाड़ी हैं जो कि अपनी पुरानी कक्षाओं में वापस लौटे अशोक के कारण, अशोक के ही वजह से सभी अपने पुराने दिनों पुराने कक्षाओं में जो कक्षाएं बीच में छोड़ चुके थे उन कक्षाओं को दोबारा शुरू कर पाए हैं, दोबारा स्कूल जाना शुरू कर पाए हैं। तो ही स्टार्टेड, जिसने ये अशोक कौन है, जिसने इस फुटबॉल का जो सीजन है फुटबॉल सत्र है उसको पिछले 5 साल से शुरू किया हुआ है, वह फुटबॉल खिलाने के साथ साथ वह स्कूल भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, वही अशोक राठौर। उसी के कारण, उसी के बदौलत बहुत सारे खिलाड़ी आज पढ़ने के लिए वापस स्कूल जा पाए हैं और आज शिक्षित हो रहे हैं। When Ashok was a child, जब अशोक बच्चा था, जब छोटा था, his father शंकर राठौड़, उसके पिता का नाम शंकर राठौड़ था, वह व्यक्ति ए फिशरमैन, वह एक मछुआरा था। अशोक राठौड़ के पिता का नाम, जब अशोक राठौड़ बच्चा था तो उसके पिता शंकर राठौड़ एक जो मछुआरा था, regretted, बहुत ही दुखी होता था। किस बात से दुखी होता था? That his daughter and older son had dropped out of school. उसका बड़ा बेटा और उसकी बेटी, उसका एक बड़ा बेटा और उसकी बेटी दोनों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, अपना स्कूल बीच में ही छोड़ दिया। इस बात को सोच करके वह बहुत ही दुखी होता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाया। At one point, Ashok too wanted to quit. एक ऐसा भी समय आया था कि अशोक भी उस स्कूल को छोड़ देना चाहता था, अशोक भी बीच में छोड़ देना चाहता था पढ़ाई, लेकिन But his father insisted that he continue. लेकिन उसके पिताजी के हट की वजह से, insisted मतलब हट करना, जिद करना, लेकिन उसके पिताजी के जिद की वजह से वह अपनी पढ़ाई को जारी रखा। Much against the neighborhood norm. अपने पड़ोसियों के ही, उनके पड़ोसी में ऐसा ही होता था, बच्चे छोड़ देते थे, तो उसके विरुद्ध, अगेंस्ट, उसके विरोध में, नहीं मेरा बच्चा पढ़ेगा ऐसा सोच करके वह अशोक है वो पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ूंगा, है ना। अशोक के पिताजी के वजह से वह पढ़ाई जारी रखा। अशोक टॉक्स हाउ लिटिल वैल्यू हिज पीयर्स, अशोक कहता है, बताता है कि मेरी कितनी कम वैल्यू है, मेरी कितनी, मेरे जो मैं जो देखता हूं उसकी कितनी कम गुण वैल्यू है, कितनी कम कीमत है, और बताता है मेनी ऑफ देयर पेरेंट्स प्लेस्ड ऑन एजुकेशन, और कहता है कि कई सारे लोग हैं शिक्षित हुए हैं और कई अच्छे अच्छे जगहों पर गए हैं। वह बताता है अपनी स्थिति को कि कैसे वहाँ के आसपास के लोग कितने अच्छे हुए हैं, वे कैसे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। आगे बोलता है आयशा बॉयज रेगुलरली ड्रॉप आउट ऑफ आवर म्युनिसिपल स्कूल, वह बताता है कि मैं हमेशा, हमारे नगर पालिका के जो स्कूल है वहाँ से अक्सर लोग, लड़के भागते हुए दिखाई देते थे, हमेशा भाग जाते थे। रिकॉल्स अशोक, अशोक अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए बोलता है, सम लेफ्ट ड्यूरिंग ए मॉर्निंग इंटरवल, कुछ तो सुबह के ही जो छुट्टी रहती थी उसी समय ही भाग जाते थे, एंड नेवर रिटर्नेड, और कभी वापस नहीं आते थे। एज फॉर द गर्ल, और लड़कियों के लिए, ए गुड मैनी डोंट अटेंड स्कूल एनीवे, और लड़कियों की अच्छी बात यह थी कि लड़कियां स्कूल ही नहीं आती थी, कभी स्कूल ही नहीं आती थी, उनके लिए तो और खास बात है। तो इस प्रकार से उनके म्युनिसिपल स्कूल, उनके नगर पालिका स्कूल में ऐसी स्थिति थी। द ड्रॉपड आउट बॉयज यूज्ड टू हैंग आउट द नियर बाई सेजन डॉग्स, सेजन डॉग, तो वहाँ जो लड़के भाग करके जाते थे वे लड़के सीधा चले जाते थे सेजन डॉक नामक एक बंदरगाह है वहाँ पे, मुंबई बिगेस्ट फिश मार्केट है वहाँ पे। तो वहाँ मुंबई में, मुंबई का बहुत बड़ा मछली बाजार है सेजन डॉक, वहाँ जा करके वे चले जाते थे भाग करके, और क्या करते थे, दे हैड स्टील चुराते थे और पिकअप, और नीचे गिरे हुए चीज़ों को उठाते थे, किसको, फिश, वे मछली, दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट, जो बास्केट से, जो टोकरी से गिर गए रहते हैं उसे उठाते या फिर उन्हें चुरा लेते थे, टू सेल एंड मेक इजी मनी, ताकि उसे बेच सके और उसे सरल तरीके से पैसा बना सके। तो इस प्रकार से जो लड़के भाग के गए रहते थे वे ऐसा काम करते थे।
अगला पार्ट के लिए आप नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।